यू तो ऐसे इनके घर बने हुए हैं बच्चे, ऊपर धाजा लगी हुई है भगवा कलर की। गाय वगैरह खड़ी है ना इनको खिलाने के लिए, ये इस तरफ गाय गाय माता खड़ी है, पालते हैं गाँव देहात के हैं तो बकरियाँ वगैरह पालते हैं ये छोटे छोटे। ये अभी से सबको घास डालेगी, घास डाल। हे गाइस नमस्कार, स्वागत है आपको एक और हमारे नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आया हुआ हूँ गाँव देहाती इलाका है बिल्कुल, जो कि आप देख सकते हैं इधर गाँव गाँव है, कोई करीब में सिटी वगैरह शहर नहीं है। तो ऐसे इलाके में अभी मैं आपको विज़िट कराऊंगा यहाँ के एरिए भी। तो सामने भी घर बने हुए हैं, ऊपर देखे ये हिंदू भाइयों के सारे घर हैं। तो यहाँ पे कुछ ध्वजा भी लगी हुई है और ये भी दिखाता हूँ। तो आज मैं ना पूरा गांव देहात का दिखाने वाला हूँ कि यहाँ के जो गाँव के लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है इनका। तो अभी भी चलते हैं, इनके ये करी में भी घर है तो यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये हिंदू भाइयों के घर है जो कि ध्वजा लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस साइड पे ये घर है इस साइड पे, लेकिन हम इस साइड पे चलेंगे। तरह के कुछ ये होते हैं गांव घरों के चारों तरफ कांटों से बनाए होते हैं। और यहाँ पे सामने भी इस साइड पर भी घर है, इस साइड पर भी घर है, गाँव है ये। ये है का घर जिसमें हम अभी चलेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे, इनके घर वालों से भी मिलवाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का घर बने हुए हैं, मिट्टी के घर है और गाँव है ये। जानवर वगैरह भी, गाय वगैरह भी है, ये गाय वगैरह भी पाली हुई है लो सब ने। और यहाँ पे दिखाएंगे तो इनसे भी मिलवाएंगे। और अभी ये गांव देहाती है, पूरी देहाती ज़िंदगी है, तो दिखाएंगे लाइट वगैरह भी है या नहीं है और सारा कुछ जो भी है। तो इनसे मिलने के बाद भी हम जानेंगे। और यहाँ पे रहने वाले तकरीबन मारवाड़ी हिंदू रहते हैं इस गाँव में ना सारे। तो इनसे भी हम जानेंगे कि कोई भारत में है इनका जाने वाला या नहीं है। तो ये बाइक खड़ी है और ये ऊपर ध्वजा लगी हुई है भगवा कलर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स तो अभी मैं ना पूरा घर का यहाँ पे दिखाता हूँ, जो ये मशीन है और ये कुत्तर की मशीन जिससे ना घास काटते हैं। और गाय वगैरह खड़ी है ना इनको खिलाने के लिए, ये इस तरफ गाय माता खड़ी है सब। ये छोटा सा पप्पी भी है गाय, वो भी दिखाता हूँ इस साइड में। ये हमारी जबान में ना गोबर की बनाते हैं थेपड़ियाँ जिसे बोलते हैं, तो ये जलाने के लिए काम आती है। हम गैस वगैरह नहीं है ना गाँव देहात है, तो इसे हमारी जबान में तो थेपड़ी बोलते हैं। फिर आप अपना कमेंट करके बता दें कि क्या बोलते हैं, अगर आपने कभी कोई गांव से हो तो गांव में हो जो उसे पता होगा ये। तो यहाँ पर ये बकरियाँ भी है, ऊपर छपरी बना हुआ है, गाय माता खड़ी है, गाय भी है, गाय पालते हैं गाँव देहात के हैं तो बकरियाँ वगैरह पालते हैं ये छोटे छोटे। और छोटा पप्पी भी है, ये देखें ये पप्पी भी है। इनके साथ ना मैं बहुत खेला था और मुझे ना ये बहुत पसंद है, मतलब गांव की ज़िंदगी ना और बहुत पसंद है। तो ये अभी से सबको घास डालेगी, घास डाल के फिर इधर का मैं दिखाता हूँ व्यू। तो ऐसे इनके घर बने हुए हैं कच्चे, ऊपर ध्वजा लगी हुई है भगवा कलर की, आप देख सकते हैं। तो इस साइड का ये किचन है, इस साइड पर ये किचन बना हुआ है, ऐसा ऐसा चूल्हा होता है यहाँ पे, जहाँ पे है ना गैस वगैरह नहीं होता ना तो मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, तो लकड़ियों से चलाते हैं। इस साइड पे ये घर है, ये मोहन भाई भी बैठे हुए हैं हमारे साथ। नमस्ते भाई। ओम नमस्ते, कैसे हो? आप ठीक ठाक? आप ठीक हो? तो ये तो मोहन भाई आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? हम तकरीबन 12-13 साल से इसी गांव में। 12-13 साल से इसी गांव में ही थे, वो थोड़ा पीछे था गांव, थोड़ा पीछे था। तो यहाँ पे गांव में कितने घर हैं हिंदुओं के खास करके? ये हिंदू सारे हिंदू ही है, तकरीबन कोई मुस्लिम नहीं है। कितने घर होंगे? 50 से करीब ही होंगे। 50 के करीब जो है ना परिवार यहाँ पे हिंदू परिवार रहते हैं यहाँ पे गांव में, पूरा बड़ा गांव है यहाँ पे। तो यहाँ के जो कमाई का रिश्ते क्या है, मतलब क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम भी करते हैं और किसका शहर में बिजनेस भी है। और यहाँ का पाकिस्तान का जैसे माहौल है, आपको पता है कि यहाँ के लड़के बहुत सारे जो कराची काम करते हैं, कराची सिलाई का टेलर का एरिया है, उसमें जो और भी गारमेंट्स वगैरह है उसमें बहुत सारे, जो ये सूट सिलाई करना हुआ और भी काम चौकीदारी है, या कोई भी कराची में आधे से ज़्यादा फैमिली जो हमारी कराची है, इसके जो नौजवान हैं वो कराची है, कराची और कुछ यहाँ पे भी कारोबार करते हैं। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो घर पे ही रहता हूँ और पहले कराची काम करता था, कराची सिलाई का काम करते थे, सिलाई का ही काम करता था। तो अभी तो घर पे ही हैं और मेरा जो छोटा सा बिजनेस है ये, जैसे कि शादी ब्याह के जो इवेंट होते हैं उसमें फोटोग्राफी और मूवी मेकर, हाँ मूवी का काम है, वो छोटा सा काम है, अपना ही काम है अपना। पहले ये भी सिलाई का काम करते थे, जैसे हम सिलाई का काम करते थे आपने देखा होगा व्लॉग में। तो अभी जो है अपना मूवी मेकर का काम शुरू किया है, तो छोटे सब स्टार्ट किया बिजनेस, लेकिन जब शादियाँ वगैरह होती है तो घर में जो है और पिताजी वगैरह वो क्या काम करते हैं? पिताजी वगैरह जैसे कि ये बकरियाँ हैं और मजदूरी वगैरह पाली भी है घर वगैरह, और खेती बाड़ी का भी थोड़ा बहुत काम है, उसमें भी थोड़ा कुछ अर्निंग हो जाती है और कुछ जो है मजदूरी के हिसाब से, मतलब गांव के हिसाब से जो भी। ये घर मिट्टी का बनाया हुआ टोटल? हाँ ये सारा कुछ मिट्टी का है। तो ये बारिश वगैरह में गल नहीं जाता? हाँ बारिशों में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, मगर फिर वैसे हमारा शहर में मकान तो अभी बनाने का इरादा है, मगर ये है कि
हमारा जो काम है वो सारा बराड़ी का ही है, गांव का है। गाय भैंसे बकरियां हैं, इनका जो चारा वगैरह वो शहर में बहुत ही मुश्किल से मिलता है और वो पैसों से लेना पड़ता है, तो इतना बंदा पैसों से लेगा तो फिर इसमें क्या फायदा नहीं होगा। इसीलिए इधर दूध घी मक्खन सारा कुछ है फ्री में मिल जाता है, और सब्जियां हैं वो भी हमारे को इधर फ्री में मिल जाती है। इस समय हम अपनी बन्नी में बोकते हैं, खेती बाड़ी में लगाते हैं सब्जियां और फ्रूट हुए। ये जो जमीन करते हो, जो खेती बाड़ी करते हो, वो जमीन किसकी है? वो मुस्लिम है। मुस्लिम वो अच्छे हैं, अच्छे और हैं। हम बैठे हैं, ये जमीन भी उनकी है। जमीन भी मुस्लिमों की है, ये उनकी है, मगर हम इधर बैठे हैं, कोई किराया वगैरह नहीं है, किराया और अपना कमाते हैं, चाहे उनके साथ काम उनके यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है, कोई मसला नहीं है। मसला नहीं है, उनकी करो चाहे नहीं करो, अपना कारोबार करो, फिर भी वो बोलते नहीं है। अच्छा, हाँ, तो इधर भले बैठे रहो, मकान पक्का बनाओ तो, और बहुत सारे हैं, उनका पक्का भी है, तो मेरा तो ये कच्चा ही है। हाँ, तो 70% 60% तकरीबन हिंदू जितने भी है ना, वो ऐसे गांव देहात में रहते हैं, तो गांव जो होते हैं वो मुस्लिमों को होते हैं, ज़मीन होती है वहाँ पे अपना ये घर बनाते हैं और वहाँ पे ही मुस्लिमों की ज़मीन करते हैं, पर उनका जो है खर्चा पानी ये करते हैं, फिर जो भी हिसाब किताब होता है मजदूरी के साथ वो देते हैं, तो ऐसे ही रहते हैं, मतलब जो मुस्लिम वडेरे होते हैं ना उनके पास ही घर बना के गाँव में रहते हैं। 70% हिंदू यहाँ की आबादी ऐसे ही रहती है, ऐसे ही है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि अपना खर्चा करो और उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको देंगे। अच्छा। और अपना कारोबार करना चाहते हो, फ्री में बैठो तो भले बैठो, वो नहीं बोलते हैं कि हमारी ज़मीन करो तो उसके बाद तुम्हारे को इधर बैठने देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लाइट वगैरह है नहीं है? नहीं, बिजली का कोई भी यहाँ पे नहीं है, बिजली तो गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। गांव देहात है ना, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है गांव देहात की भी। ये गाड़ी आपकी है, कितने की गाड़ी मिली? ये बाइक अभी 1 लाख रुपए की है। ये अभी 1 लाख रुपए की है, ये 1 लाख से ऊपर ही होगी ख्याल से, नहीं तो 1 लाख से ऊपर है, मैंने 1 लाख। 1 लाख? हाँ नहीं, 1 लाख से ऊपर है अभी ये बाइक है, 70cc, अभी ये भारत में तो नहीं चलती। फ्रेंड्स, तो अभी मोहन भाई के घर भी घर अंदर दिखाएंगे, ये अपना कमरा वगैरह और ये बाकी हम इनसे भी जानेंगे, तो वीडियो में इन तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो ये है मोहन भाई का घर, कमरा कुछ ऐसा बना हुआ है, ऊपर पंखा, ये सोलर प्लेट लगा हुआ है, शायद अंदर चल के भी दिखाते हैं आपको ये। तो हाँ मोहन भाई, ये कमरा है, तो ये आपका कमरा है? हाँ बिल्कुल, ये अपना ही है। लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लाइट है, मगर हम लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो है रीडिंग वीडिंग का कोई मसला नहीं है, कोई लेने आता ही नहीं है, फिर जो बिल है ना उसके ज्यादा आ जाते, वो ज्यादा आ जाते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसके 50,000-30,000 एक महीने का हम कमाते ही नहीं है, कमाते इसीलिए हमने अभी सोलर प्लेट लगाई है, उसमें सारा कुछ चल जाता है, पानी की मोटरें हुई, टीवी हुई, पंखा हुआ, मतलब फ्रिज वगैरह ये तो हमारे पास है नहीं है, मगर पंखा ये जो घर का सारा कुछ लोड है वो चल जाता है, वो चल जाता है। तो ये टीवी भी है लगी, ये बैटरी कितने की है अभी यहाँ पे? ये बैटरी अभी 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की ये बैटरी आप देख रही है, 130 वाली है, 20,000 की है। ये सोलर प्लेट लगा हुआ है, सोलर भी सारे चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली के बिल है जो बहुत हाई फाई आते हैं, और तो ये रीडिंग का कुछ पता नहीं है कब आए कौन आए, तो ऐसे ही है। ये ऊपर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं इधर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।